चुकी ना सरबोधे डिटेंशन से वो जवान पै पुटद हजूर नाले मुठियां पै भरद डाढ़ा जहा घुट के भाई कसम आंदा है सो एक सिख लड़के ते नजर पई ते चढ़दी माली ते 18 साल दी जवानी अगर ए कलमा पढ़े ना ते इस बच्चे दी वजह तो इहदी नस्ल कलमा पढ़ लेगी ते सोहणा एडा सोहणा चेहरा ते जिस तरह महबूब आजम दी नजर इकरमा ते पई मैं अगर मौजू छेड़ा मौजू विच भी मौजू होए फिर मौजू है लेकिन एडा ही आउणे आ ए बाद सुणावांगे ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਸੋਹਣਿਆ ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਚਿਹਰਾ ਤੇ ਜਹਨਮ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਿਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਜਨਾ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਜਾਏ ਨਤਾ ਮੁਹੱਬਤ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਢੀ ਮੁੱਠੀ ਭਰੀ ਆਪ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕੀ ਆਉਣਾ ਹੈ ਉਹਨੇ ਅੱਜ ਕੀਤੀ ਜੀ ਸੋਹਣਿਆ ਉਹ ਵੇਖੋ ਨਾ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਹੈ ਲੜਕਾ ਹੈ ਔਰ ਖੂਬਰੂ ਹੈ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਹੈ दुश्मन का कलमा पढ़ लई ओदा बाप गया ते सरबोध दी कचहरी दे विच जाके मियां साहब दे केस कराया उन्हें आख्या ऐ जने मैं मियां साहब नूं ऐ ना अदालत ही घसीटना है उतों आवाज आई कि जिदी मदद असी करिए फिर ओदी मदद रसूल आजम भी करता है ते ओदी मदद जबरील भी करता है और ओदी मदद मखलूक भी करती है मियां साहब दा नाम आ गया पेशी आ गई पहला आप नूं चिट और रुका आया हजूर मौलानी करीम ते तुहाडी अदालत दे विच पेशी है मियां साहब जदों अदालत दे विच गए ना आपने की कीता तस्बीह लोटा मुसल्ला ते अल्लाह ही अल्लाह लिखना चाहती है लेकिन मैं